हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल MG विदारसी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लाइफ LS4505 मतलब फ्लेम इस मॉडल में, अगर आपके चार्जिंग की जो प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे सही करना है। तो सबसे पहले हम गेट को खोलेंगे। ये इसकी प्लेट है और ये इसका चार्जिंग जैक है। तो अगर आपका मोबाइल चार्जिंग लेना बंद कर दे तो, और आपका जो ये चार्जिंग जैक है वो भी सही हो और जैक आपका शॉर्टिंग बता रहा हो, तो उसको कैसे सही करना है, तो इसके बारे में आपको बात करूँगा। शॉर्टिंग का मतलब जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, जैक में जो है 5 पिन होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पिन होती हैं। तो इनमें से जो चार्जिंग की है मेन, ये वाला पॉइंट आपका राइट साइड वाला, ये नेगेटिव है इसमें, और ये जो इस साइड वाला है ये पॉजिटिव। तो आपको मैं मल्टीमीटर से बताऊंगा कि शॉर्टिंग किस तरह से चेक होती है। अगर आप जैक चेंज करते हैं, जैक चेंज करने के बाद आप मोबाइल चार्जिंग ना ले रहा हो, तो एक बार ये चीज आप जरूर चेक करें अगर मल्टीमीटर से। ये हमारा मल्टीमीटर है, आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव पॉइंट है, सॉरी, जो मल्टीमीटर की वायर है, एक आपने जो प्लस वाला पिन है उस पर रखना है और एक कहीं भी ग्राउंड पर देना है ऐसे। और ये मल्टीमीटर में लाइट जल रही है और स्विच जो है वो इसको शॉर्ट बता रही है, फुल पे जा रहा है। नेगेटिव वाले पे भी टच करेंगे तो वो भी इसी तरह से, उस पर भी इसी तरह से लाइट चलेगी। अगर इनको आपस में भी हम चेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखिए प्लस माइनस पे कर रहे हैं तब भी लाइट चल रही है, जो कि नहीं चलनी चाहिए, इसका मतलब ये शॉर्ट है। तो मैं आपको बताऊँ कि इस चीज़ को कैसे सही करना है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम टाइम जो है, जो चार्जिंग जैक है उसका, आपको जो चार्जिंग का सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है उसको चेक करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करना है और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे प्लस वाले पॉइंट को चार्जिंग जैक के, कि शॉर्टिंग वो हटती है या नहीं। तो हम इसे हॉट गन से रिमूव करेंगे। और मैक्सिमम जो आपकी ये शॉर्टिंग प्रॉब्लम है, जो चार्जिंग का फर्स्ट कंपोनेंट होएगा उसी पे निकलेगी, क्योंकि अगर शॉर्ट होगा तो फर्स्ट वाला ही होगा मैक्सिमम टाइम। तो इसको हम हॉट गन से हीट से हटा देंगे। ये देखिए, इसको हमने रिमूव किया। ये कंपोनेंट यहाँ पे लगा था तो इसको हमने रिमूव कर लिया है। अब हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे।
इसकी जो शॉर्ट दिखा रहा था वो इसको रिमूव करने पे सही हुआ या नहीं। ये देखिए अब वो ना तो लाइट जल रही है और ना ही जो मल्टीमीटर हुई है वो फुल पे जा रही है, तो इसका मतलब जो है ये शॉर्टिंग हट चुकी है। अगर हम प्लस माइनस पे भी चेक करेंगे चार्जिंग चेक पे तब भी ये शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। ये देखिए, तो इसका मतलब जो कंप्लेंट शॉर्ट था वो ये वाला पॉइंट था। तो फ्रेंड्स इस कंपोनेंट को रिमूव करने के बाद हमारी शॉर्टिंग जो है फ़ोन में से जो चार्जिंग जैक पे शॉर्टिंग दिखा रहा था वो हट जाएगी। और अगर इस कंपोनेंट अगर आपके पास ये कंपोनेंट पड़ा हो तो आप इसको लगा सकते हो, अगर ना हो तो अगर इस कंपोनेंट को नहीं भी लगाओगे तब भी आपका जो फ़ोन है वो चार्ज करेगा और सही से काम करेगा। अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया कि जो फ़ोन की शॉर्टिंग है वो हट चुकी है जैक के ऊपर से, चार्जिंग जैक की शॉर्टिंग जो जैक पे आ रही थी वो अब इस कंपोनेंट को रिमूव करने के बाद हट चुकी है। तो अब हम मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगा। ये हमने मोबाइल में बैटरी को कनेक्ट किया और ये चार्जिंग चार्जर को कनेक्ट किया। ये देखिए हमारा चार्जर जो है वो कनेक्ट हो चुका है और मोबाइल चार्जिंग लेना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने लाइफ के फ्लेम मोबाइल जो मॉडल है इस फ़ोन को अगर इस तरह से शॉर्टिंग आए तो इस तरह से आप जिस तरह से मैंने वीडियो में था इस तरह से उस कंपोनेंट को हटाकर अपने मोबाइल को सही कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन है उसे प्लीज़ एक्टिवेट करना ना भूलें, उससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।